ओके, तो हमने अब तक पढ़ लिया कि हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, राइट? तो ये तो बात थी डाइजेशन की, पर हमने शुरू में बात की थी कि फूड की डाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि फूड में जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और हमारी बॉडी उनको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, राइट? और डाइजेशन के द्वारा इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, और इनको हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है। तो डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इसको हमारी बॉडी ब्लड में अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, राइट? और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर फेंक देती है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है, ठीक है? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में कुछ ऐसे फिंगर लाइक थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस या आउटग्रोथ्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विलाए, ठीक है? और इन्हीं आउटग्रोथ्स पे होती है हमारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की एब्जॉर्प्शन। और इस प्रोसेस को जिसमें हमारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद इस एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को, इस एब्जॉर्ब फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ओके, ये समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फूड की डाइजेशन हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई, एसिमिलेशन हो गई। तो इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है? ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली बाहर वाली, ठीक है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वाइड है और शॉर्टर है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और 1.5 मीटर लॉन्ग है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? और बाकी का बचा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बचता है वो चला जाता है रेक्टम में, ठीक है? और यहीं पर वो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है जब तक कि वो एनस के द्वारा एलिमिनेट नहीं किया गया बॉडी से, ठीक है? तो रेक्टम होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल एलिमिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो हम सबको पता है कि फीकल मैटर इज रिमूव फ्रॉम द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है? एनस के द्वारा सारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को जिसमें वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी से बाहर आ जाता है इसे कहा जाता है एजेशन, ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीटली, कि कैसे हमारा फूड जो है हम खाते हैं, मुंह में ही हमारे सलाइवरी ग्रैंड्स के द्वारा जो सलाइवा सिक्रीट होता है उससे स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, उसके बाद हमारा फूड ओसोफेगस से होते हुए जाता है हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पे सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिलकर कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं फूड की, यहीं पे फूड की एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जहां से वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फाइनली एनिस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो अब हम कह सकते हैं कि फाइव मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स आर, सबसे पहले क्या होगी? इंजेशन, खाना खाया जाएगा। उसके बाद क्या होगी? डाइजेशन, उसे डाइजेस्ट किया जाएगा। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की होगी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद होगी एसिमिलेशन, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और लास्ट में हो जाएगी एजेशन, यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है?
हमने पढ़ लिया डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इसके बाद अब हमें पढ़ना है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और उसके बाद हमें देखना है डाइजेशन इन अमीबा। चलिए इनको भी देख लेते हैं। ओके, आपने नोटिस किया होगा कि काओ, बफेलो और कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली कुछ चबाते रहते हैं, इवन वेन दे आर नॉट ईटिंग। जब वो खाना नहीं भी खा रहे हैं तो भी वो चबाते रहते हैं। क्या आपने कभी ये देखा है? एक्चुअली होता क्या है कि जब वो ग्रास को खाते हैं तो दे क्विकली स्वेलो इट। वो इस ग्रास को खाते हैं और इसको डायरेक्टली स्वेलो कर लेते हैं, और उसके बाद ये चला जाता है, चबाते नहीं है, सिर्फ स्वॉलो करके ये चला जाता है उनके स्टमक के इस कंपार्टमेंट में जिसे कहा जाता है र्यूमेन। ओके, और यहाँ स्टोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ग्रास जो होती है इट इज रिच इन सेल्यूलोस विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इस सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए सारे एनिमल्स घास भी नहीं खाते, क्योंकि घास में जो सेल्यूलोस है उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो सेल्यूलोस होता है घास में वो इस र्यूमेन में डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ अ सर्टन बैक्टीरिया, ठीक है। एंड दिस बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, इसीलिए हम जो है सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने समझा कि ये लोग डायरेक्टली घास को स्वॉलो करके इस कंपार्टमेंट में स्टोर कर देते हैं जिसे कहा जाता है र्यूमन, और र्यूमन में होती है सेल्यूलोस की डाइजेशन। आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद सेल्यूलोस की डाइजेशन के बाद ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है इसे कहा जाता है कड, ठीक है। और ये कड वापस से इनके मुंह में वापस आता है। द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट। तो ये कट वापस से इनके मुंह में आता है और या फिर एनिमल अब उसको दोबारा से च्यू करते हैं, नॉट दोबारा, पहली बार ही च्यू करते हैं, पहली बार तो डायरेक्टली सोलो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कट जब वापस से आएगा तो फिर उसके बाद ये इसको थॉरोली च्यू करते हैं और उसके बाद इसको फिर से सोलो करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है र्यूमिनेशन, और इन एनिमल्स को कहा जाता है र्यूमिनेंट, ठीक है। और जब वो दोबारा उसको उस कड को थॉरली च्यू करके स्वॉलो करते हैं तो इस बार दोबारा वो र्यूमेन में नहीं जाता, अलग कंपार्टमेंट्स में जाता है जहां उसकी फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कैसे घास जो है सबसे पहले एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स डायरेक्टली स्वॉलो करके र्यूमेन्स में पहुंचा देंगे, र्यूमेन कंपार्टमेंट में पहुंचा देंगे। यहाँ सेल्यूलोस डाइजेस्ट होगा, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दोबारा से कड जिसको हम कहते हैं बनकर वापस आएगा मुंह में, ये इसको चबाएंगे और उसके बाद दोबारा स्वॉलो करके वापस से स्टमक के दूसरे कंपार्टमेंट्स में भेजेंगे डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम बात करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ओके, अमीबा क्या है पहले ये देखते हैं। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा का डायग्राम है। अमीबा जो है हमें पॉन्ड वाटर में मिलता है। इसमें एक सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और बहुत सारे वैक्यूल्स हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। ये अमीबा का सेल है, ठीक है, बहुत सारे वैक्यूल्स हैं। अमीबा की जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, शेप एंड पोजिशन, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है। और अमीबा की बॉडी पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो ये जो इसकी प्रोजेक्शंस हैं ऐसे फॉल्स फीट और सूडोपोडिया, ये हेल्प करते हैं अमीबा को उसकी मूवमेंट में और ऑल्सो फूड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और अमीबा जो है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है। तो ये तो हमने अमीबा के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं कि अमीबा जो है फूड को डाइजेस्ट कैसे करता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो जैसे ही अमीबा का फूड उसके नजदीक आता है तो ये जो सूडोपोडिया है या जिसको हम कहते हैं फॉल्स फीट,
ये इस तरह से हमने पढ़ा था कि अमीबा अपनी शेप को चेंज कर सकता है, राइट। तो ये जो सूडोपोडिया है वो इस तरह से फूड के अराउंड अपने आप को, फूड को अपने सूडोपोडिया से अमीबा कवर कर लेता है, ठीक है, और इस तरह से फूड को एनगल्फ कर लेता है, ट्रैप कर लेता है फूड फूड को, और फूड जो है उसके फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। उसके बाद उसकी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस उस फूड पे एक्ट करते हैं, उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में, विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन। और जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू बचता है, ये देखिए, यहाँ से उसने अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू को बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। दिस वॉज इजी। ऐसे सूडोपोडिया को ग्रो करके पहले तो अपने फूड को कैप्चर करेगा, उसे ट्रैप कर लेगा, फिर फूड की डाइजेशन होगी, और पोस्ट डाइजेशन जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमने कवर कर लिया डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड अमीबा। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो आपकी बुक में और दिया है, क्विकली हम इसको भी कवर अप कर लेते हैं, ह्यूमन टीथ के बारे में। तो आप सबको पता है कि दो तरह के ह्यूमन टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ एंड एक परमानेंट टीथ। सो जो छोटे बच्चों के टीथ आते हैं बचपन में, जो 6 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं, दूध के दांत जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो है मिल्क टीथ। उसके बाद जो टीथ आते हैं उनके गिरने के बाद, उन्हें कहा जाता है परमानेंट टीथ। परमानेंट इसलिए क्योंकि उसके बाद वही टीथ हमारे लाइफ टाइम तक रहते हैं, एक्सेप्ट जब ओल्ड एज आ जाती है या कोई डेंटल डिजीज हो जाती है तो वो गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया गया है बुक में कि आपकी जो टीथ है उनकी अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार की होती है। ये आपका एक जॉ है, लोअर जॉ, तो जो आगे के 4 दांत हैं, नीचे भी और ऊपर भी, उन्हें कहा जाता है इंसीजर, ठीक है। और जो ये वाले, ये जो ब्लू वन है, ठीक है, जो सबसे शार्पेस्ट होते हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है केनाइन। इसके पीछे होते हैं प्री मोलर, और ये जो है वो है मोलर। इन सारी टीथ्स का अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि इंसीजर जो है वो फूड को बाइट करते हैं और कट करने में, पीसेस में कट करने में हेल्प करते हैं, वहीं जो केनाइन है, आई टोल्ड यू दे आर द शार्पेस्ट वन, दे आर यूज फॉर टियरिंग ऑफ द फूड, ठीक है। उसके पीछे के जो प्री मोलर एंड जो मोलर हैं वो फूड की क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपके 8 इंसीजर्स हो गए, 4 लोअर जॉ में एंड 4 अपर जॉ में, 4 केनाइन हो गए, 8 प्री मोलर हो गए और 12 मोलर हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है टूथ डिके, दांत कैसे सड़ जाते हैं। जब भी आप हाई शुगरी फूड खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, ये ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो आपके दांत सड़ जाते हैं, कैसे देखते हैं। एक्चुअली जब आपका मुंह गंदा रहता है या डर्टी रहता है, आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आपके मुंह में हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट्स लिविंग, ठीक है, इन योर माउथ। और क्या होगा कि जो आपके आपके मुंह में जो थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर फूड है, आपने मुंह को अच्छे से साफ नहीं किया, तो जो लेफ्ट ओवर बच जो खाना जो है वो मुंह में जो रह गया, वो बैक्टीरिया जो है उसकी ब्रेक डाउन करके एसिड रिलीज करेगा, ठीक है, उस फूड को ब्रेक डाउन करेगा और एक एसिड रिलीज करेगा, और इन एसिड से आपके टीथ जो हैं वो ग्रेजुअली डैमेज हो जाते हैं, और फिर होती है आपको दांत में दर्द और दांत का गिरना और टूथ का सड़ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, रेगुलरली 2 टाइम्स अ डे अपने दांतों को ब्रश कीजिए और कुरला करते रहिए, दांतों को साफ रखिए, ओके। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। इट हैज मेनी फंक्शंस। प्राइमरली इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ द फूड। देर आर 5 बेसिक टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर एंड उमामी। These are identified in different regions of the tongue as shown in the figure. These regions are called taste buds. Besides these, the tongue also allows mixing of saliva into the food thoroughly. Also, it helps to swallow the partly digested food.